फ्रेंड्स, आप सभी को और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, गुरुपाजी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली फ्रेंड्स, और हैप्पी होली पाजी, वी लव यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इसी तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिस तरह से हमारे गुरुपाजी मुस्कुरा रहे हैं। और इसी तरह से खुश रहना, हमेशा सपोर्ट करते रहना हमारे चैनल का। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को देखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो फीलिंग्स हैं हमारे दिल में स्लोली स्लोली के लिए, आज मैं सारी बताने वाला हूँ आप लोगों को। वेट वेट वेट, और कितना वेट फ्रेंड्स, और कितना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा हमको स्लोली स्लोली के लिए। इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट किसी भी सॉन्ग के लिए नहीं होती है फ्रेंड्स, बट स्लोली स्लोली के लिए हमारी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के मन में जो सवाल है, मैं उन्हीं को आज बताने वाला हूँ। मैं फ्रेंड्स इसकी शुरुआत शुरू से करूँगा, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से ये बात समझ में आए, ठीक है? तो फ्रेंड्स, शुरुआत करता हूँ मैं पहली पिक के साथ, जब गुरु सर ने अपलोड करी थी, जब शूटिंग चल रही थी तेरे ते की, तो वहीं से। तो फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट पिक जिसमें गुरु सर ने लिखा था, मेरा फर्स्ट मतलब कोलेब्रेशन जो कि है मिस्टर वर्ल्ड वाइड पिटबुल के साथ में, वो आने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये पिक अपलोड करी थी गुरु सर ने 23 नवंबर 2018 को, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों को दूसरी दिखाता हूँ पिक, ये है गेट रेडी फॉर स्लोली स्लोली, ये गुरु सर ने 28 जनवरी को अपलोड करी थी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स। तो इसके बाद एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी हम लोगों की। तो अब मैं आप लोगों को तीसरी पिक दिखा देता हूँ, जो कि अभी अभी गुरु सर ने करी थी 27 फरवरी को, स्लोली स्लोली ऑन दी वे, स्लोली स्लोली फर्स्ट लुक आउट इन फ्यू डेज, ठीक है फ्रेंड्स। बट यार, फ्यू डेज़ कितने होते हैं? 27 फरवरी को गुरु सर ने ये पिक अपलोड करी थी, बट आज बहुत ज़्यादा तारीख हो चुकी है, मतलब आज 21-22 होने वाली है, ठीक है? तो फ्रेंड्स यार, इतने फ्यू डेज़ तो नहीं होते हैं। अब मैं आप लोगों को बात शुरू से बताता हूँ, जैसा गुरु सर ने फर्स्ट पिक अपलोड करी थी, तो हम लोगों को लगा कि ये मतलब 2019 के फर्स्ट मंथ में यहाँ आ जाएगा, बट हम लोग समझ सकते हैं यार कि किसी टेक्निकल इशू की वजह से सॉन्ग शूटिंग के एक दो महीने के अंदर नहीं आ पाया, बट लगभग 4 महीने होने वाले हैं यार फ्रेंड्स, बट अभी तक किसी को नहीं पता है कि ये सॉन्ग कब तक आएगा, और ना ही गुरु सर कोई बता रहे हैं अभी तक बात। इससे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं हमारी यार, समझना चाहिए गुरु सर को भी। सर, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, हम सभी फैन हैं आपके, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपको सर, बट आप भी समझिए थोड़ा। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सर, ऐसा कुछ करिए जिससे कि हमको मतलब यकीन हो जाए कि हाँ, इतने दिनों के बाद ये सॉन्ग आ सकता है या आएगा। बट सर, आपने कई पिक्स में फ्यू डेज़ कहा, बट सर फ्यू डेज़ कितने होते हैं? सर, फ्यू डेज़ मतलब हफ्ता मान लो, या 10 दिन, 15 दिन मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बट फ्रेंड्स, सर आपसे मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत दिन हो चुके हैं और लोग मतलब क्रेज़ी हो रहे हैं सॉन्ग सुनने के लिए। सर, आप कमेंट्स चेक कर सकते हैं, डेली कमेंट्स में यही बात आती है कि स्लोली स्लोली के बारे में, मतलब उसकी रिलीजिंग डेट या वो कब आ रहा है। बस सर, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सर, ऐसा कुछ मतलब अपलोड करिए, या वीडियो, या फिर कमेंट में कुछ अपलोड करिए, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि इतने तारीख को सॉन्ग आएगा और इस टाइम पे आएगा, ताकि सर सभी रिलैक्स हो जाएं थोड़ा। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार है सर हमारे दिल में आपके लिए, बट आप भी थोड़ा समझिए, फैंस जो हैं मतलब उनकी फीलिंग्स को समझिए सर, कि क्या चाहते हैं। और आपने इतने दिन पहले मतलब पोस्ट करी थी, बट उसके बाद सर आपने कुछ भी नहीं बताया,
सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी बातें सही लगती हैं तो प्लीज़ जाके कमेंट करिए, और फ्रेंड्स गुरु सर को वीडियो शेयर करिए, मतलब इतनी ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वीडियो गुरु सर तक पहुंच सके और वे देखें और जाने कि क्या चल रहा है स्लोली के बारे में, ताकि फ्रेंड्स वो कुछ न्यूज़ दे सके हमको, ताकि हम उस तारीख तक वेट कर सके, रिलैक्स कर सके। फ्रेंड्स सॉन्ग तो कभी ना कभी आएगा, बट हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, जो चाहते हैं हम, जल्दी से जल्दी सुनना फ्रेंड्स, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट हो चुका है। 4 महीने हो चुके हैं इस सॉन्ग के कंप्लीट हुए, बहुत टाइम हो चुका है फ्रेंड्स, बट क्या कारण है रिलीजिंग के वो भी नहीं बता रहे हैं गुरु सर। सो फ्रेंड्स इसको शेयर करिए ताकि गुरु सर तक बात पहुंचे और हमारी बातें उनको पता चले कि क्या चाहते हैं फैंस। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग शेयर ज़रूर करना, और कमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ कमेंट करिए जाके अभी। अगर फ्रेंड्स आप लोग आज नए आए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मैं गुरु सर से रिलेटेड सारी न्यूज़ आप लोगों को देते रहता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप भी फ़ैन हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।